और उन्हें इतना नॉलेज नहीं था, बट जो हमारे समीर कपूर थे कोरियोग्राफर दुबई इंटरनेशनल, वो दुबई से आए थे बच्चों को ग्रूम करने के लिए, एंड देन उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग दी इन्हें, जो इन्हें नहीं पता था मॉडलिंग के बारे में वो उन्होंने उन्हें सिखाया, और जो भी बच्चे हैं अभी वो काफ़ी टैलेंटेड है, उन्हें सब कुछ पता है शो के बारे में और वो आपको बताएंगे। सर आपने जमा कैसा था अनुभव इस इवेंट से जुड़ने का और कोमल मैन के बारे में? बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा अनुभव, इट वॉज गुड एक्सपीरियंस वर्किंग। सर आप बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहना चाहूँगा। कोमल की क्या तारीफ़ करूँ, कोमल तो नाम ही काफ़ी है, कोमल कपूर, और जिस तरह से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। अभी जो इन्होंने गोवा में इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी बड़े पैमाने पे किया, और अभी जो ये करने जा रही हैं जम्मू में मिस्टर मिस मिसेस वर्ल्ड इंडिया, तो इस पर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट या ज्यूरी या जज में वहाँ रहूँगा मौजूद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इवेंट होने जा रहा है ये बहुत ही बड़ा इवेंट होगा और बहुत ही रॉकिंग और सक्सेसफुल इवेंट होगा, और मुझे खुशी है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा और हम मिलके एक सक्सेसफुल इवेंट आगे करते रहेंगे। तो जो लोग कंटेस्टेंट हैं उनको क्या आगे कोई प्लेटफॉर्म देंगे अपनी तरफ से या कोई अपॉर्चुनिटी है जो प्रोवाइड करने वाली हैं? अभी जो विनर्स हैं, जो फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप हैं, उन सभी को मैं कुछ एल्बम्स और मूवीज़ वगैरह जो भी उनको वर्क रिलेटेड मिलेगा वो मैं पेज शूट वगैरह उन्हें करवाऊँगी, और नेक्स्ट जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें हम उन्हें शो स्टॉपर एंड जूरी का वॉक करवाते हैं, जिससे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, देन उन्हें पेड भी मिलता है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या, शुरुआत कैसे हुई आपकी इस फील्ड में, कहाँ से आई हैं आप और जो मॉडलिंग का करियर था, इंटरेस्ट था, आपने पहले पार्टिसिपेंट तब किया था एज एन मॉडल, वो बताइए। मैं 2018 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा बॉर्न प्लेस है, देन मैंने स्टडी मुंबई में किया एनएफडी से, एंड मैं अभी नाउ करेंट गुड़गांव हरियाणा में रहती हूँ। तो टीनेज से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, तो कॉलेज शोज एंड पेजेंट भी काफ़ी किए थे मैंने, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा आगे बढ़ती गई, और देन 2020 में मैं एनिग्मा मिस इंडिया बनी, एंड 2019 में मैं फर्स्ट रनर अप यूपी का मैंने टाइटल लिया था। देन उसके बाद मैंने कुछ प्लान आउट किया कि मुझे कुछ शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो ये मेरा फर्स्ट सीज़न था गोवा में, जो अभी शो हुआ वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी ने मुझे सपोर्ट किया। इंस्पिरेशन कौन रहा आपका, मतलब इतने सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं और इंडियंस मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, कोई इंस्पिरेशन है आपका, इंस्पिरेशन फिगर को है? इंस्पिरेशन सबसे पहले मैं जीसस क्राइस्ट को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि जो भी मैं इवेंट मैंने किया अकेले दम पे किया, और मेरा मैं बता नहीं सकती, एज अ गर्ल इवेंट करना बहुत मुश्किल है, कि काफ़ी लोग जो होते हैं कि इवेंट्स करने के लिए लड़की को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और काफ़ी डोमिनेट करते हैं, बट मैं हिम्मत नहीं आ रही, और मेरे जितने भी सपोर्टिंग लोग थे, मेरी मॉम थी, मेरे सिस्टर थे, मेरे ब्रदर थे, उन सभी ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली जितने मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, देन मैं थोड़ा आगे बढ़ी। तो आगे जो शो प्लान कर रहे हैं जम्मू का, उसके लिए बताइए कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जैसे देखिए, फर्स्ट सीजन में मैंने जैसे सोचा था उस हिसाब से तो नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड सीजन में रॉकिंग करना चाहूँगी, उसमें प्लस साइज मॉडल भी होंगी, देन टीनेज मॉडल्स होंगी, किड्स होंगे, मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड जो शो होगा हमारा जम्मू में वो काफ़ी रॉकिंग होगा, एंड उसमें जो भी इच्छुक बच्चे हैं और एंड डिजेबल मॉडल ऑल्सो, उन्हें भी मैं चाहती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें। आजकल हर जो कॉन्टेस्ट होता है इसमें कोई सोशल कॉज होता है, कोई मैसेज होता है, आपका कोई कॉज है जिससे आप जुड़ना चाहेंगे? ऑलरेडी मैं एक चैरिटी है उनसे जुड़ी हूँ एनजीओ के, और एक बालाघाट के हैं वो भी एनजीओ है उनका, तो मैं उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी करती हूँ और वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उन बच्चों को मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें और उन्हें कुछ वर्क मिले। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई सिमरन सिंधी लैंग्वेज में, आपने शायद देखी भी होगी, वो 15 देशों में रिलीज़ हुई है, इंडिया के अलावा स्पेन में, फिलीपींस में, हांगकांग में, और इसके अलावा दुबई में, और
अफ्रीका में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद अभी ये सेकंड सिमरन मेरी आने वाली है, उसके बाद अभी मैं एक वेब सीरीज़ करने जा रहा हूँ शूट, जो कि राजस्थान में शूट होने वाली है, और एक मेरी फिल्म और आ रही है आइसक्रीम, जो कि मैंने राजस्थान में शूट करी है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मेरे ऑडियंस हैं, मेरे प्यारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपना जिस तरह प्यार से आशीर्वाद देते आए हैं, वो आगे भी देते रहें। सर आप देखिए क्या प्रोफेशनल लाइफ में रहने वाले आगे? जी मैंने काफ़ी काम किया है, जो रिसेंट मूवी थी गोविंदा नाम मेरा, सम्राट पृथ्वीराज, द फॉरगॉटन आर्मी ऑफ रोज, जिसकी काफ़ी लंबी एड्स किए हैं काफ़ी सारे, और ये सब चल रहा है, काम कर ही रहे हैं। तो लास्टली कोमल जी, ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आज के दौर में माहौल कितना बदला, जैसे आप बोले कि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों को इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना या आगे बढ़ना, तो आज के दौर में कितना बदला है ये सब? आज के दौर में एक्चुअली जैसे पहले 2002 से जो मॉडलिंग होती थी 2012 तक, उस टाइम में जो शोज़ होते थे वो काफ़ी रियल शोज़ होते थे। आजकल ऐसा हो रहा है कि हर जगह शो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, पर बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मेरा मोटो यही है कि सबको प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें वर्क मिले, और जितने भी बच्चे हैं जो ये सोचकर इतने दूर आते हैं, इतनी फीस देते हैं, उन्हीं में उन्हें कुछ आगे वर्क मिले, चाहे वो इंडस्ट्री में जाना चाहे, चाहे वो कुछ भी वर्क करना चाहे, अपना एक्स वाई जेड वो शो ऑर्गेनाइज करें, बट उन्हें उसमें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा कि कोमल जी ने मुझे इसलिए अपने साथ जोड़ा है क्योंकि मैं काफ़ी शोज़ में एज ए ज्यूरी जज सेलिब्रिटी गेस्ट जाता हूँ, तो मेरा ये दायित्व बन जाता है जब मैं ज्यूरी या जज के तौर पर जाता हूँ तो मैं उन लोगों को काम दूँ। तो मैंने ऐसे कई लोगों को काम दिया है साथ में जो मेरे कॉन्टेस्ट में विनर्स रहे हैं, तो जो मेरे टच में रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते रहे इंस्टाग्राम पर, तो उनको भी मैंने हेल्प करी है एज ए, उनको कभी म्यूज़िक वीडियो दिलवाने में, कभी फिल्म का पार्ट बनवाने में, कभी फिल्म में हीरोइन का भी रोल दिलवाया मैंने। तो इसलिए इन्होंने मुझे बोला कि यार आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छा करेंगे हम साथ में। और जहाँ तक आपने बोला कि एनजीओ, जैसे कि तो एनजीओ मैं एक खुद ओपन कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, और अभी उसका नाम डिसाइड करना है। वो एनजीओ क्या होगा, उसके अंदर सब काम होगा, वुमेन के लिए भी होगा, मैन वुमेन के लिए तो सारे ही करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैन के लिए भी काम करूँ क्योंकि मैन के लिए बहुत कम लोग हैं। तो नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर वुमेन ऑल्सो, ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। और मैं कोमल जी से ये भी कहना चाहूँगा कि कोमल जी जैसे आप मिस्टर, मिस, मिसेस, किड्स सबके लिए कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करें, उनको भी आई थिंक उस शो का हिस्सा बनाएं, तो एक शो और बड़ा हो जाएगा, इसमें सब कवर हो जाएंगे। व्हाट डू यू से? क्या कहेंगे इस इवेंट का हिस्सा बनकर विनर घोषित की गई आप और कोमल जी के बारे में जिनका प्रयास था ये इवेंट कराने का, तो क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? सबसे पहले नमस्ते, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ मैं, मेरा नाम रुचा मोरे। तो जो के प्रोडक्शन में मिस इंडिया वर्ल्ड हो चुकी हूँ, फर्स्ट विनर, तो बहुत अच्छा था जर्नी मेरा। मैम ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, जो भी कभी भी कुछ पूछा तो प्रॉपरली सबसे सपोर्ट किया, ग्रूमिंग भी अच्छी थी, और जो शो था फाइनल वो भी बहुत अच्छा रहा। आपको बैकग्राउंड क्या, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग लेडी हैं, क्या करती हैं आप, उसके बारे में बताइए। मैं तो सिंगल हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मॉडलिंग भी करती हूँ पुणे में, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे मॉडल करके बुलाते हैं, और मॉडलिंग साइड बाय साइड, मैं जॉब करते करते साइड बाय साइड मॉडलिंग भी करती हूँ। आपसे चाहूँगा आपको कितनी खुशी मिल रही है और कोमल जी के बारे में जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ज़ैनब शेख है, मैं प्रॉपर नासिक से हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। कोमल मैम के पास से मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा ये फर्स्ट शो है, एज अ बिगनर मुझे फील नहीं हुआ, उन्होंने कभी फील करने नहीं दिया मुझे, बहुत अच्छा सपोर्टिव मिला, कॉपरेट अच्छा मिला, और लकीली बोलेंगे कि मैं फर्स्ट विनर बनी इसमें, और मैं माशाल्लाह से क्या बोलते हैं, एज अ सास भी हूँ, दादी भी हूँ, और एक लेवल में आने के बाद अपने आप की अचीवमेंट करना बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है। सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, बेसिकली आई एम अ बिजनेस वूमन, अच्छे से अभी 25 साल का एक्सपीरियंस आ गया है मुझे, तो लेकिन ये फील्ड में कभी सोचा नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर सोचा नहीं गवाएंगे, तो फिर थैंक्स फॉर कोमल मैम। इतना सोचते हैं लोग कि देना है या नहीं देना है, बट इन्होंने दिया मुझे वो चांस, और आई विल अचीव दिस। कोमल जी कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो भी जॉब कर रही हैं और जीता मैम भी बिजनेस वूमन है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों काफ़ी टैलेंटेड हैं, मिस की जो रुचा है वो भी काफ़ी मेहनती लड़की है, ग्रूमिंग भी अच्छे से दिया, वर्क भी उनका काफ़ी अच्छा है, एंड देन साइन अप मैम, वो तो मतलब उनके
उनकी तारीफ़ ही बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, और लिटरली मतलब सबके लिए इंस्पिरेशन है, और इनके जैसे काफ़ी लोग मैं चाहती हूँ कि वो भी आए शोज़ करें और जो भी उनमें टैलेंट है वो दिखाए, उसके लिए थैंक यू. मैं जॉले फर्नांडिस गोवा से हूँ और मैंने सेकंड रनर अप जीता है मिसेस इंडिया वर्ल्ड के लिए, और मिसेस कोमल कपूर मिस कोमल कपूर इस बार इंस्पायरिंग है हमारे लिए, और ये शो भी किया वो बहुत अच्छा था. थैंक यू फॉर दैट. तो क्या करते हैं आप? मेरा खुद का है, मैं डिज़ाइनर हूँ कपड़े का. सर आप बताइए. मेरा नाम मयूर मुरोड़िया है, मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें करता हूँ. तो गोवा में जो शो हुआ उसके लिए मुझे KK प्रोडक्शन कोमल मैम का उनके प्रोडक्शन की तरफ से इनवाइट आया था, तो फिर हम लोग निकल पड़े एक नया एक्सपीरियंस की ओर, और काफ़ी बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा वो. सर आप नमस्ते, मेरा नाम अमेय पंडित, मैं सातारा से हूँ. मैं जिजामाता प्रैक्टिसिंग स्कूल सातारा में कला शिक्षक काम करता हूँ. भरतनाट्यम विशारद एक्टर, मैंने मराठी नाटकों में टीवी सीरियल में काम किया है. मैं स्पेशल चाइल्ड या स्लो लर्नर बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए काम करता हूँ. इससे पहले मैं अरोमा प्रोडक्शन के मिस्टर प्राइड ऑफ नेशन मिस्टर इंडिया 2023 का विनर था, और उससे बाद मैं उसी वजह से मुझे यहाँ पर एंट्री मिली गोवा में KK प्रोडक्शन के मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2023 का मैं सेकंड रनर अप हूँ. इस शो में कमल कपूर मैम ने हमें बहुत सहायता की, बड़ी अच्छे से हमें सिखाया. समीर सर जो हमें कोरियोग्राफ कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें शो के बारे में बताया, मॉडलिंग ये फील्ड क्या है इसके बारे में बताया, बहुत अच्छे से सिखाया और शो भी बहुत अच्छे से हुआ. मैं यहाँ जीत कर बहुत खुश हूँ, और मैं ये मेरी जीत मेरे बच्चों के बराबर सेलिब्रेट करता हूँ. मुझे उनके साथ काम करने में बहुत ताकत मिलती है इस वजह से. थैंक यू. मयूर मुरोदिया फर्स्ट रनर अप नागपुर से, एंड देन जोलिया मैम गोवा से हैं, एंड अमेर है सातारा से. ये तीनों ही काफ़ी मतलब जॉब करते हैं, इनका डिज़ाइनर बुटीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग करता है, देन ये टीचर है. तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं कहीं ना कहीं अपना जगह वो वर्क करते हैं, और ये मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि ये जितने भी बच्चे आए शोज़ में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया. देन जो हमारे कोरियोग्राफर है समीर कपूर, जो बच्चों को नहीं आता उन्होंने सबको प्लेटफॉर्म दिया एंड उन्हें ट्रेन किया प्रॉपरली कि वॉक कर सके एंड लोगों से बात कर सके. तो वो ही इंस्पिरेशन ये सबके लिए है, और आगे मैं चाहती हूँ ये अपने बारे में लोगों को बताएं, जो भी इंटरेस्टेड मॉडल हो शो में आना चाहते उन्हें बताएं कि ऐसे शोज़ भी होते हैं जहाँ उन्हें वर्क मिलता है. थैंक यू सो मच.